आप परेशान मत हो। अफान क्या कर रहे हो बेटे, तुम्हें मना भी किया था मैंने। नाजिश मेरे साथ है, आप फिक्र मत करें, उसकी बहन से बात करके ही जाएंगे। मेरी बात सुनो, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। सर उमूमन तो इस टाइम छत पर ही होती है, आज पता नहीं कहाँ है, मैं एक बार अंदर जाके देखती हूँ। साहिबा, 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 साहिबा तुम कहाँ जा रही हो? अम्मी वो बाहर चारपाई पे मेरी किताबें रह गई थी, वो लेने जा रही। बहुत रात हो गई है, सुबह ले लेना। पर अम्मी मुझे अभी पढ़ना है। कहा ना सुबह पढ़ लेना, अभी चलो चलो, इतनी रात हो गई है। सर मेरा नहीं ख्याल उसको अभी आने देंगे, शायद आंटी ने रोक लिया होगा। चलो काश इतने परेशान कभी आप लोग मेरे लिए हुए होते तो शायद मेरी जिंदगी काश के सहारे ना गुजर रही होती। तुम क्यों हमें अपना दुश्मन समझती हो बेटा? क्योंकि आप हैं, आप लोग मेरे दुश्मन हैं, इसलिए मैंने आज तक अपने बेटे को सिर्फ तुम्हारी वजह से माफ तक नहीं किया। जानती हो ना ये तो? नहीं मैं कुछ नहीं जानती, अब तो लगता है आप लोगों को भी नहीं जानती। जो लोग घर में चंदन काम करने वाले और पूरी जिंदगी इस घर में गुजारने वाले में फर्क ही ना कर सकें, उनको ना तो मैं जानना चाहती हूँ और ना समझना चाहती हूँ।